क्षत्रिय समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है तो दूसरी ओर भाजपा अपने कैंडिडेट को लेकर अडग है। भाजपा अपने कैंडिडेट को बदलने की बात भी नहीं कर रही है, तो क्या कारण है कि रूपाला की टिकट रद्द नहीं की जाएगी, आइए जानते हैं इस शो में। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं न्यू गुजराती न्यूज। मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजीत जी। आज की इस चर्चा में मेरा पहला प्रश्न है सर कि राजकोट बैठक को लेकर आपका क्या कहना है? भाजपा भी उम्मीदवार बदलने को तैयार नहीं है और क्षत्रिय समाज भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण है कि भाजपा इतने सारे विरोध के बाद भी वो अपना उम्मीदवार बदल नहीं रही है? क्षत्रिय समाज उल्टा लटक जाए तो भी भाजपा कैंडिडेट बदलने वाले नहीं, और कैंडिडेट नहीं बदलने के बड़े साफ साफ कारण है। राजकोट लोकसभा को यदि आप देखिए तो उसकी सात की सात विधानसभा जो है वो 2022 के चुनाव में भाजपा ने जीती है। राजकोट महानगर पालिका पे भाजपा का कब्जा है, राजकोट जिला पंचायत पे भाजपा का कब्जा है, चुनाव अपोजिशन लड़ता है। पिछले कई चुनाव से आप देखेंगे तो राजकोट लोकसभा में 2009 को छोड़ दीजिए तो बीजेपी का वोट परसेंट जो है वो 60 के ऊपर है। 2019 में 75% वोट परसेंटेज बीजेपी कैंडिडेट को मिले थे, वहां कांग्रेस लगभग है नहीं। राजकोट का एक बड़ा हिस्सा शहरी विस्तार है और शहरी मतदाता जो है वो बीजेपी के साथ है। दूसरी बात, लगभग 21 लाख राजकोट में मतदाता है, उसमें 3.5 लाख मतदाता लिहुआ पटेल है, 3 लाख मतदाता कोली पटेल है। कोली पटेल बीजेपी के इसलिए साथ है क्योंकि जो उस पूरे बेल्ट का सबसे बड़ा कोली लीडर है कुंवर जी बावलिया जी, वो रूपाला जी के साथ है जी, सरकार में मंत्री है, उनके कहने पे सिटिंग एमपी की टिकट काटी गई है जी। 3 लाख वहां पे कड़वा पटेल है, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए तो लगभग ये 12 लाख हो जाता है जी। दूसरा, क्षत्रिय मतदाता लगभग 1 लाख है, 45,000 राजपूत मतदाता है, तो ये कुल 1.5 लाख होते हैं। इनमें से भी बीजेपी की अपनी फाइंडिंग ये कहती है कि खाली 20% लोग अपोज में है, बाकी 80% जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। मंदिर का मुद्दा है जी, आप अकेले राजपूत तो नहीं बन सकते ना, हिंदू भी बनना है ना जी, जी 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 जी। तो जब आप लार्ज इंटरेस्ट में जाएंगे तो राजकोट की सीट बीजेपी एक बड़ी मार्जिन से जीत रही है। उनको लगता है कि उनके पास एक बड़ा गेम है। अच्छा, पुरुषोत्तम रूपाला एक सामान्य बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है जी। पुरुषोत्तम रूपाला का अपना 40 साल का राजनीतिक जीवन है जी, जी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख थे, प्रदेश महामंत्री थे, भारत सरकार में मंत्री थे, और वो एक कम्युनिटी के नेता है जी, जी। पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटना एक साफ साफ मैसेज जाएगा कि बीजेपी पटेल के मास लीडर को नहीं चाहती, उसका जो नुकसान होगा वो वापस 2017 की स्थिति बीजेपी नहीं बनाना चाहती। पटेल समाज का गुस्सा कितना व्यापक हो सकता है वो बीजेपी ने देख लिया जी, जी। अच्छा, जो अपोज हो रहा है वो अपोज मास से ज्यादा एनजीओ बेस्ड अपोज है जी। 500 लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे, 10,000 की बात होती है, 400 लोग कहीं ज्ञापन दे, 500 लोग कहीं ज्ञापन दे, लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि रिजल्ट किससे बदलता है जी।
तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि पुरुषोत्तम रुपाला की टिकट बीजेपी काट। तमाम बातचीत हो गई। 6-7 तारीख को प्रोटेस्ट की बात थी, वो भी स्थगित हो गई। और इसमें भी अब कई राजपूत समाज भी दो हिस्से में बंटता जा रहा है। एक तबका वो है जिसको जो एक इस इशू पे अपोज करके लाइमलाइट में आया जी, वो इसको कंटिन्यू करना चाहता है। 40-40 कैमरे जब आपके पीछे घूमते हैं तो वो फील गुड आता है जी। लेकिन एक बड़ा तबका है, उसको पता है कि ये कोई परिणाम देने वाली लड़ाई है नहीं, इसलिए वो इस लड़ाई को अब समेटना चाहता है। कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा कि जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उसका नाम पब्लिक नहीं होना दिया जी। पीटीएस राजपूत ने फोन करके बताया कि 6-7 तारीख की जो सभा है वो कैंसिल हो गई है, कब होगी पता नहीं है, बैठक कहाँ होगी पता नहीं है। तो राजपूत समाज, करणी सेना, क्षत्रिय समाज कुछ भी कर, टिकट बदलने वाली नहीं है। मतलब ये उल्टा लटक जाए तो भी टिकट नहीं बदले। दूसरा, जो इसमें अपोज करने वाले लोग हैं, शंकर सिंह वाघेला ने अपोज किया। शंकर सिंह वाघेला एक बड़े नेता थे राजपूत समाज के तौर पे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला आप कोई बात कहे उसकी अपील कितनी जी। कांग्रेस के जो राजपूत नेता है वो अपोज को हवा देना चाहते हैं, आम आदमी के जो नेता है वो अपोज को हवा देना चाहते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये तमाम जब कोई कम्युनिटी इशू आता है तो अपोजिशन इसका फायदा उठाना चाहता है जी जी। लेकिन अपोजिशन के पास अब वो मास ही नहीं है, वो कैपिटल नहीं है कि वो इसका फायदा उठा सके। कांग्रेस तो अभी तक कैंडिडेट भी नहीं डिक्लेयर कर पाई जी जी। तो यदि आपके पास, आप कैसे लड़ रहे हो? पुरुषोत्तम रुपाला ने आज का अपना शेड्यूल जारी कर दिया जी, वो महिला सम्मेलन में जा रहे हैं, उनके 4 अलग अलग कार्यक्रम है उस पर जा रहे हैं। और आज से पुरुषोत्तम रुपाला ने अपनी कैंपेनिंग फुल मोड में चालू कर दी जी। अब ये सवाल नहीं है, अब सवाल ये है, क्योंकि एक जो सामाजिक अलगाव बनता जा रहा था, पुरुषोत्तम रुपाला ने 3 बार माफी मांग ली जी। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि अब इसमें कुछ होना हुआ ना है नहीं। ये जो पूरा इशू बना उसके अपने माफी हो गई, प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल ने माफी मांग ली, और जो भाजपा में किनारे किए गए राजपूत नेता थे जी, सालों से घर बैठे थे, एकाएक वो भी एफटीयू हो गए, फोटो खींच गई, बाइट वाइट हो गई जी। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जी। और गुजरात में तकनीकी तौर से राजपूत कम्युनिटी पॉलिटिकली हासिल नहीं कर पा रहे, गिनाने के लिए 10 मन नाम होंगे कि ये एमएलए, ये एमएलए, ये एमएलए, लेकिन उनका लीडर कौन? कोई नहीं। शंकर सिंह वाघेला के बाद जैसे ये था कि केशुभाई पटेलों के नेता जी, लेकिन भूपेन भाई को आप पटेलों का नेता तो नहीं कह सकते जी। वो सीएम है लेकिन वो पटेलों के नेता नहीं है नहीं। तो शंकर सिंह वाघेला के बाद राजपूतों का कोई नेता नहीं। और जब तक आप नेतृत्व में नहीं होते, जब तक आपका एक कोई पॉलिटिकल विल पावर वाला आदमी नहीं होता, तब तक पॉलिटिकल अपोज बहुत सक्सेस नहीं होता। सावट काठा और आनंद में कैंडिडेट इसलिए नहीं बदले गए कि वहां अपोज बोल, वहां इसलिए बदले गए कि हाईकमान बदलना चाहता था जी।
ऐसा नहीं है कि अपोश के कारण बदल दिया। बीजेपी अपोज को बहुत नोटिस नहीं करते, उनके अपने काम करने का तरीका है जी। एक बार निर्णय कर लिया तो कर लिया। और पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट यदि फूल से भी कटती है तो बीजेपी को बड़े अच्छे से पता है कि उसका नुकसान क्या होगा जी। वो पूरे सौराष्ट्र में खेल बिगाड़ेगा। पटेल कम्युनिटी आज की डेट में गुजरात की सबसे डोमेन कम्युनिटी है और 2017 में पाटीदार आंदोलन के टाइम पटेलों ने बताया कि क्या आंदोलन होता है जी, और उनकी ताकत क्या है। ये जो भर्ती मेला चालू हुआ 2017 के बाद बीजेपी में 4000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को लेने पड़े कांग्रेस की आयातें, वो केवल इसलिए लेने पड़े कि वो जो सत्या का सेट बैक था वो दोबारा कभी नहीं आए जी। और उन तमाम लोगों को लिया जिनने पानी पी पी के गाली दिया था जी, उनकी गालियां बीजेपी ने भूली और उनको वेलकम किया। शंकर सिंह वाघेला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा ना कि पाटीदार आंदोलन समाज से सीखिए। लेकिन आपके पास किसी भी कम्युनिटी को जी उसका वो आधार नहीं। तो पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से बीजेपी के कैंडिडेट भी है और बीजेपी से सांसद भी बनेंगे, इसकी बड़ी संभावना बीजेपी के लिए। दूसरा, ये जो अपोज है अभी स्टाइक कैंपेनर्स आएंगे, मैनेजमेंट कमेटी उतरेगी, 92 लोगों की लिस्ट बनी है, उनसे 1-to-1 बात होगी। और जब बीजेपी को बड़े अच्छे से पता है कि किसी को कैसे कंट्रोल करना है जी। यदि हार्दिक पटेल को उनने कंट्रोल कर लिया, बाग को बके बना के बांध के रखा है जी, तो ये जो अपोज कर रहे लोग हैं ये इतने बड़े कद के नहीं है कि बीजेपी इनको सीरियसली ले। तो पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से नहीं बदले जाएंगे, ये पक्का जी। इसी खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यू गुजराती न्यूज पर।